Good morning, my dear student. Today in the e-class, we are going to start our previous chapter, chapter 2, Computer and Machine. We will repeat this chapter because there are some activities based on your chapter 2. So, we will continue. Continue, before I tell you, I want to tell you that computer is an electronic machine which is used for different types of work and in different areas. So, abhi hamare paas jo activity hai, usme crosswords diye hue hain using the hints given below. Take the pictures of machine in blue circle. So, pehle to aapko sare jo bhi objects diye hue hain, unke aapko naam likhne honge, complete karni hogi unki spelling. Then, aapko jo circle diya hua hai pictures ke saath, usme aap dekh sakte ho कि आपको उसको फुल ब्लू करना होगा, ठीक है? क्योंकि उससे जब आप फुल ब्लू उस मशीन उन ऑब्जेक्ट्स में सेव करोगे, उन जो कि एग्जैक्टली मशीन है. तो यहां पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या-क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले है हमारा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन. तो इंजन इज रिटन हियर. तो इंजन की स्पेलिंग हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट एरोप्लेन का ए लिखा हुआ है, उसके बाद ई स्पेलिंग जब हम लिखेंगे तो इंजन, ई एन जी आई एन ई, इंजन ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है? तो इंजन, तो इंजन को हम जान लेते हैं कि इंजन क्या है, एक मशीन है. यस, क्योंकि इंजन आपका स्टीम से चलता है, फ्यूल पे चलता है, और तो इंजन इज अ मशीन. देन आफ्टर कम द ऑन दिस हियर एरोप्लेन. तो एरोप्लेन, उसके बाद हम एरोप्लेन की बात करते हैं. तो एरोप्लेन ए से स्टार्ट होगा स्पेलिंग. यू कैन सी ए ई आर ओ पी एल ए एन ई. एरोप्लेन की स्पेलिंग आपकी कहां तक जाएगी, पेंसिल से. लेफ्ट से आपको राइट ले जाना है. तो एरोप्लेन इज आल्सो अ मशीन. ओके, तो एरोप्लेन भी मशीन है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं चलती है, उसको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है. देन आफ्टर कम द नेक्स्ट पिक्चर, हियर इज अ फैन. तो फैन इज आल्सो अ मशीन, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इसको चलाने के लिए. तो फैन की स्पेलिंग हो जाएगी, आप लेफ्ट से राइट लिखोगे एफ ए, और एन इज ऑलरेडी रिटन हियर, तो फैन हो जाएगा. देन कम द नेक्स्ट बी से. बी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बेड की स्पेलिंग आती है, बी ई डी, बेड. तो बेड इज नॉट अ मशीन. क्यों? क्योंकि इसको हम किस, इसको चला, ये चलता तो है नहीं, बस ये एक ऑब्जेक्ट है जो जहाँ पे रख दो वहीं पे रखा रहता है. तो बी ई डी बेड की स्पेलिंग होती है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं बेड के ऊपर, देखिए मिक्सर बना हुआ है यहाँ पे. तो मिक्सर की स्पेलिंग हम लिखेंगे एम आई एक्स ई आर, मिक्सर. तो मिक्सर इज ऑल्सो अ मशीन, क्योंकि मिक्सर का यूज़ जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब हम आते हैं टॉप पे जहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है. तो सी फॉर कैमरा. तो कैमरा इज ऑल्सो अ मशीन, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलता है, कोई ना इनपुट देना पड़ता है, फोटो क्लिक करते हैं, फिर फोटो को हम निकाल भी सकते हैं. तो कैमरा भी बैटरी से चलता है. तो कैमरा की स्पेलिंग लिखेंगे सी ए एम ई आर ए. टॉप से आपको बॉटम पे आना है, ऊपर से नीचे साइड को आएंगे तो कैमरा हो जाएगा. देन यू कैन सी हियर देयर इज अ पेंसिल. तो पेंसिल हम लिखेंगे पी ई एन सी आई एल. तो पेंसिल को भी आपको पता है कि आप खुद चलाते हो, ये ऐसे नहीं चलती है, और ये कोई मशीन नहीं है, ये नॉर्मल पेंसिल होती है जिसका यूज़ हम लिखने के लिए करते हैं. तो पेंसिल भी ये कोई मशीन नहीं है. देन कम ऑन द नेक्स्ट, देयर इज अ ट्रक. तो ट्रक दिया हुआ है, तो ट्रक एक मशीन है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है. तो ट्रक की स्पेलिंग ऊपर से नीचे साइड को लिखना शुरू करेंगे, तो टी आर यू सी के, ट्रक. तो स्पेलिंग्स आप पहले अपने से फिल करोगे, फिर आप हिंट बॉक्स में देख सकते हो कि आपने कितनी स्पेलिंग्स खुद से सही लिखी हैं और कितनी गलत. तो आपको मशीन में और अदर ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस पता चल गया कि मशीन जो होती है वो किसी ना किसी यूज़ में, मतलब यूज़ में तो अदर ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन मशीन्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्क करती हैं, वो कोई काम करती हैं, वो हमारी किसी तरीके से हेल्प करती हैं किसी काम को करने के लिए. और दूसरा, ये इनको चलाने के लिए या तो मैन फोर्स की ज़रूरत होती है, या हमें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो ये होता है डिफरेंस नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में और मशीन्स में. मशीन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वर्क करती हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, वो तो मतलब वो बहुत सारे टाइप्स के काम करता है, राइटिंग भी, गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ठीक है? स्पीकर अगर लगा देते हैं तो मूवी का साउंड भी हमें सुनाई देता है, तो और बहुत सारे काम हम उससे कर सकते हैं.
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी पे, टेक द मशीन्स दैट आर यूज्ड इन आवर हाउसेज। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सारी मशीन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रिक्शा दिया हुआ है, देन मिक्सर, देन स्पीकर, देन एरोप्लेन, फैन। और अच्छा, आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये कौन सी मशीन दी हुई है फ़ैन के जस्ट बगल में? यस, वॉशिंग मशीन। देन आफ्टर स्कूटर, आपने देखा होगा कि आपके फादर या आपके घर में ब्रदर आपके हैं, सिस्टर हैं, वो लोग स्कूटर स्कूटी चलाते हैं। तो अब बसेस, आपको कभी कहीं जाना होता है तो आप देखते हो आप नॉर्मली बस का यूज़ करते हो, और अदर स्टेट अदर कंट्रीज़ में आपको जाना होता है तो आप एरोप्लेन का यूज़ करते हो ट्रैवलिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं और कौन सी मशीनें घर के बाहर यूज़ होती हैं। तो रिक्शा, रिक्शे का यूज़ हम लोग कहीं आने जाने के लिए करते हैं, तो रिक्शा का यूज़ तो हम घर में करेंगे नहीं, क्या घर में हमें नहीं चलाना है ना। तो रिक्शे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? घर के बाहर, कहीं भी आने, हमें शॉप, किसी शॉप पे जाना है, किसी मार्केट में जाना है, कहीं किसी और के घर जाना है जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो रिक्शे का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर मिक्सर, मिक्सर का यूज़ हम घरों में करते हैं क्योंकि अगर हमें जूस निकालना है या मसाले को ग्राइंड करना है तो हम मिक्सर का यूज़ करते हैं। देन स्पीकर, स्पीकर भी हम घर ही में रखते हैं, घर में कंप्यूटर में टीवी पे लगा करके साउंड सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा घर में यूज़ होता है। तो ये भी टिक करोगे आप, मिक्सर पे भी टिक करोगे, लेकिन रिक्शा पे आप टिक नहीं करोगे, वहाँ पे आप क्रॉस का साइन बना दोगे। देन एरोप्लेन, एरोप्लेन का भी यूज़ हम घर में नहीं करते हैं। आपने क्या कभी एरोप्लेन घर में देखा है? अरे वो वाली ट्रेन की बात नहीं कर, एरोप्लेन की जो घरों में आप लोग खेलते हो वो तो खिलौने होते हैं ना, आपके टॉयज हैं, लेकिन जो एरोप्लेन यूज़ होती है ट्रैवलिंग के लिए, अदर कंट्रीज अदर स्टेट में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो वो तो घर में नहीं आ सकती ना, वो तो काफ़ी बड़ी भी होती है, तो वो घर में नहीं रहती। अच्छा, जहाँ पे एरोप्लेन्स आप देखते हो वो कौन सी जगह कहलाती है? एयरपोर्ट, वो उस जगह को हम एयरपोर्ट बोलते हैं। देन आफ्टर यू कैन सी देयर द स्टैंड, सॉरी टेबल फ़ैन। तो टेबल फ़ैन भी हम घरों में यूज़ करते हैं एयर के लिए, और गर्मियों में यूज़ करते हैं इसका, टेबल पे रख के इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको चलाते हैं, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब तो बैटरी वाले भी आने लगे हैं, चार्ज कर लीजिए आप, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का यूज़ हम क्लोथ्स, कपड़ों को धुलने के लिए करते हैं, तो वॉशिंग मशीन भी हमारा क्या है, एक मशीन है, लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिसका हम घर में यूज़ करते हैं। तो आप फ़ैन पे भी टिक करोगे और वॉशिंग मशीन पे भी टिक करोगे, बट एरोप्लेन पे आप क्रॉस कर दोगे। देन उसके बाद आते हैं स्कूटर, स्कूटर का यूज़ भी हम कहीं आने जाने के लिए करते हैं, जैसे रिक्शे का यूज़ करते हैं, तो आप स्कूटर पे भी क्रॉस करोगे क्योंकि घर के अंदर तो हमें चलाना नहीं है, तो हमें तो उन मशीन्स को टिक करना है ना जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ओके, देन आफ्टर वी कैन सी बस। तो बस भी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, इसका यूज़ घर में नहीं करते हैं, घर में कैसे बस चलाएंगे? तो बस भी आपका क्या कहते हैं, क्रॉस होगा क्योंकि बस का यूज़ हम बाहर करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, उन पिक्चर्स की हेल्प से आपको स्पेलिंग्स लिखनी है उन ऑब्जेक्ट्स की, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कार, तो कार की स्पेलिंग होती है CAR, कार। देन आफ्टर ऑरेंज दिया हुआ है, तो ऑरेंज की स्पेलिंग आपको लिखनी होगी ORANGE, ऑरेंज। देन आफ्टर यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ माउस। अच्छा, इस डिवाइस को आप पहचान रहे हो, ये माउस है, ये कंप्यूटर का माउस होता है, वो वाला माउस नहीं है जो आप घरों में यूज़ करते हो, वो माउस है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में लगा करके USB के थ्रू से कनेक्ट करा के इसका यूज़ करते हैं। और माउस के यूज़ से हम कंप्यूटर पे थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं, जैसे चीज़ों को क्लिक करना, ओपन करना, तो माउस पॉइंटर से हम उसका यूज़ करते हैं। तो माउस की स्पेलिंग सेम होगी जो आपके उस माउस की होती है, MOUSE, माउस। देन यस, लविंग पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा तो सबको पसंद है, तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा की स्पेलिंग लिखेंगे, तो PIZZA, पिज़्ज़ा हो जाएगा। देन यू कैन सी देयर इज़ अ अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला की स्पेलिंग आई नो सबको आती होगी क्योंकि सबने क्लास नर्सरी LKG में, UKG में अम्ब्रेला की स्पेलिंग U फॉर अम्ब्रेला पढ़ा हुआ है, तो UMBRELLA, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। देन यू कैन सी हेज़ अ ट्रक, तो ट्रक की स्पेलिंग भी
आप लोग लिख सकते हो टी से ट्रक होगा तो TRUCK ट्रक, देन आफ्टर यू कैन सी देयर इज अ ईगल, तो ईगल की स्पेलिंग ई से ही शुरू होती है और ई पे ही ख़त्म भी होती है, तो EAGLE ईगल। देन आफ्टर देयर इज अ रेनबो, यस, कभी कभी जब बारिश होती है और हल्की सी धूप होती है तो आप स्काई में देख सकते हो रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, और रेनबो की स्पेलिंग है RAINBOW रेनबो, RAINBOW रेनबो, तो रेनबो हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्यूटर दिया हुआ है, उसमें 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट है मॉनिटर और जो लंबा सा दिखाई दे रहा है बगल में है मॉनिटर के, मॉनिटर आपका बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसा है, उसके जस्ट राइट में आप देखोगे तो CPU रखा हुआ है, नीचे कीबोर्ड है और माउस, ये देखिए माउस हमें मिल गया छोटा सा, ओके, तो ये कंप्यूटर है। और अब ये पूछ रहा है कि क्या आप मुझे जानते हो, यस, तो आप तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं जानता क्योंकि मैम ने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आई एम अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग मुझे पता है आप सबको आती है क्योंकि कंप्यूटर तो आपका ये सब्जेक्ट ही और आपको अपने सब्जेक्ट की स्पेलिंग तो आनी चाहिए, अगर अगर नहीं भी याद है तो मैम आपको बता दे रही हूँ लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे, तो CompuTER कंप्यूटर, रिपीट आफ्टर मी, CompuTER कंप्यूटर, स्पेलिंग लर्न हो गई, एक बार और रिपीट कर लेंगे CompuTER कंप्यूटर। तो ये हो गया हमारा आज का आपके लिए क्लास है ये आपकी और आप इसको ध्यान से सुनोगे, यू विल लिसन इट केयरफुली और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, इसके साथ आपको वर्कशीट भी जाएगी, आप वर्कशीट को डाउनलोड कर लेंगे और अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं और अदरवाइज यू कैन डू इन योर कॉपी, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।